तो यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ इटसेल्फ ही गेव द बो ऑफ पुरुषार्थ, ज्ञान के बाण दे दिए। ही गेव द एरोज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्ध रूपी तरकस भी दे दिया। एंड ही ऑल्सो गेव द क्विवर लाइक इंटेलेक्ट टू कीप द एरोज ऑफ नॉलेज। जाओ अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। ही सेड गो बी सेपरेटेड, अर्न एंड ईट। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। नाउ यू aren't गोइंग टू गेट anything फ्रॉम दिस यज्ञ, फ्रॉम द यज्ञ ऑफ द ब्राह्मिन्स। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, सो ऑल द सूर्यवंशी चिल्ड्रन हु वेंट अवे आफ्टर द फादर लेफ्ट हिज बॉडी, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग हियर राइट नाउ एंड दे आर सिटिंग इन द एंटायर इंडिया। उन सबको नंबर वार अपने बाप की तरह, लाइक देयर फादर ऑल ऑफ देम हैव टू नंबर वाइज। रुद्रमाला के मणके हैं ना, दे आर द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला, aren't they? छोटे बड़े मणके हैं ना, दे आर स्मॉल एंड बिग बीड्स, aren't they? हैं? पावर है या नहीं है निराकारी स्टेज की? स्टूडेंट्स येस, डू दे हैव द पावर ऑफ द इनकॉर्पोरियल स्टेज और नॉट? है, दे डू। उस पावर के आधार पर उनको नंबर वार बुद्ध रूपी तरकस मिला हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पावर दे हैव रिसीव्ड द क्विवर लाइक इंटेलेक्ट नंबर वाइज। सबको बुद्ध रूपी तरकस में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं। Everyone has received the arrows of knowledge to keep in the quiver like intellect. और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ। And they have also received the bow to make पुरुषार्थ। जिस धनुष रूपी शरीर के लिए मुरली में बोला है, ये शरीर सड़ते जावेंगे। For that bow like body, it is said in the मुरली, these bodies will continue to decay. क्या कहा? What was said? है? शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। द बॉडी इज मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, अर्थ वॉटर एयर फायर एंड स्काई। ये पांचों तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? आर ऑल दीज फाइव एलिमेंट्स इनर्ट और लिविंग? स्टूडेंट्स इनर्ट। जड़ ज्ञान को समझेंगे? विल इनर्ट एलिमेंट्स अंडरस्टैंड द नॉलेज? स्टूडेंट्स नो। है वो जड़ पांच तत्व जो हैं, वो कोई चैतन्य आत्माएं भी हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। दोज इनर्ट फाइव एलिमेंट्स अर्थ वॉटर एयर फायर एंड स्काई आर ऑल्सो सम लिविंग सोल्स। वो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझेंगी। दोज सोल्स वोंट अंडरस्टैंड द नॉलेज, क्योंकि उन तत्वों में बड़ा तत्व है पृथ्वी धरणी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट Among those elements is the earth, the land. धरणी में जितनी भी धरणियां हैं सारी दुनिया में, On the earth, in the entire world, all the lands that exist, सारी दुनिया की जितनी भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उनका मुखिया कौन? The earth like maidens and mothers in the entire world, who is their chief? है? जगदम्बा, छोटे छोटे बच्चे बता रहे। स्टूडेंट्स जगदम्बा जगदम्बा, स्मॉल चिल्ड्रन आर आंसरिंग। जगत की अम्बा, इट इज द वर्ल्ड मदर। वो जगत की अम्बा पंच तत्वों रूपी तत्वों में मुख्य पार्ट भजाने वाली है। दैट वर्ल्ड मदर इज द वन हु प्लेस द मेन रोल अमंग द एलिमेंट्स द फाइव एलिमेंट्स। और वो जड़त्व में ही बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? एंड डज शी हैव एन इनर्ट इंटेलेक्ट और अ लिविंग इंटेलेक्ट? वो चैतन्य आत्मा नहीं है? इजंट शी अ लिविंग सोल? है, चैतन्य आत्मा तो है लेकिन बुद्धि, क्या प्रूफ? शी इज इंडीड अ लिविंग सोल बट वॉट अबाउट हर इंटेलेक्ट? स्टूडेंट्स इट इज इनर्ट, वॉट इज द प्रूफ? हाँ,
बाप थे। अ बॉय शी डजंट नो द फादर। यस व्हाई यंग मैन? क्योंकि वो बाप को नहीं जानती। इट इज बिकॉज शी डजंट नो द फादर। जानती भी है तो परसेंटेज में पहचाना है। इफ एट ऑल शी नोज हिम शी हैज रिकॉग्नाइज्ड हिम टू सम एक्सटेंट। गहराई तक बाप को नहीं जाना है। शी डजंट नो द फादर इन डेप्थ। न जानने के कारण अंत में जब थोड़ी सी भी परीक्षा आती है। बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हिम व्हेन शी फेसेस इवन द स्लाइटेस्ट एग्जाम्स इन द एंड। फेल हो जाती है या पास हो जाती है? डज शी फेल और डज शी पास? फेल पास हो जाती है। आगे आके बैठो और जल्दी। अ स्टूडेंट शी पासेस। फेल डज शी पास? सार्केस्टिकली कमेंट्स इट मोर अहेड। फेल हो जाती है, बाप को छोड़ करके चली जाती है। शी फेल्स शी गोज अवे लीविंग द फादर। जो पहचानने वाला होगा वो बाप को जल्दी छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। विल द वन हु रिकॉग्नाइजेस द फादर लीव हिम क्विकली? ही कांट लीव हिम। तो देखो ये पांच तत्व जड़त्वमयी तत्व हैं। सो लुक ऑल दिस फाइव एलिमेंट्स आर इनर्ट एलिमेंट्स। इन जड़त्वमयी तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है। दिस बॉडी ऑफ अवर्स इज फॉर्म्ड विद दिस इनर्ट एलिमेंट्स। और ये शरीर रूपी धनुष अभी संगम युग के तामसी पीरियड में सत्व प्रधान है या तमो प्रधान है? एंड इन द डिग्रेडेड पीरियड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज इज दिस बो लाइक बॉडी सत्व प्रधान और तमो प्रधान? है कैसा है? हाउ इज इट? तमो प्रधान है। इट इज तमो प्रधान। तमो प्रधान शरीर सड़ता रहेगा या तंदुरुस्त होता जाएगा, कंचन काया बनता जाएगा? विल अ तमो प्रधान बॉडी कीप डिकेइंग और विल इट कीप बिकमिंग हेल्दी? कंचन काया लिटरली मीन्स गोल्डन बॉडी, अ डिजीज फ्री बॉडी। है हाँ, सड़ता जाएगा। स्टूडेंट्स इट विल कीप डिकेइंग। यस इट विल कीप डिकेइंग। लेकिन आत्मा? बट वॉट अबाउट द सोल? आत्मा असली बाप को याद करने के कारण। बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग द ट्रू फादर द सोल स्टूडेंट विल बिकम पावरफुल। असली बाप को याद करने के कारण या बाबा को याद करने के कारण? बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग द ट्रू फादर और बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग बाबा स्टूडेंट द फादर। बाप और बाबा में क्या अंतर है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड बाबा? है आत्माओं का बाप है शिव। द फादर ऑफ द सोल्स इज शिव। उसको याद करने वाले विदेशी और विधर्मी बनते हैं। दोज हू रिमेम्बर हिम बिकम फॉरेनर्स एंड विधर्मी। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गीय बाप को याद करते हैं। बट दोज हू रिमेम्बर द फादर हु हैज अ कंपेनियनशिप। आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है। देयर इज द कंपेनियनशिप ऑफ द सोल एंड द बॉडी। उसको कहा जाता है बाबा। ही इज कॉल्ड बाबा। क्या? व्हाट? शिव बाबा। शिव बाबा। तो शिव बाबा को जो याद करने वाले बच्चे हैं उनकी आत्मा पावरफुल बनती है। सो द चिल्ड्रन हु रिमेम्बर शिव बाबा देयर सोल बिकम्स पावरफुल। इतनी पावरफुल बनती है। इट बिकम्स सो पावरफुल कि सड़े हुए शरीर से भी ईश्वरीय सेवा का वो काम करके दिखाते हैं जो दुनिया के और धर्म पिताओं की बात मानने वाले नहीं दिखा सकते। दैट इवन विद द डिकेड बॉडी दे परफॉर्म दैट टास्क ऑफ द डिवाइन सर्विस विच द फॉलोवर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फादर्स कांट परफॉर्म। पक्का हो गया? हैव यू मेड दिस फर्म? बुढ़ापा तो नहीं सताता? डजंट ओल्ड एज ट्रबल यू? है नहीं सताना चाहिए। इट शुडंट ट्रबल यू। फखुर आना चाहिए हम किसके बच्चे हैं? यू शुड हैव दिस प्राइड हुज चिल्ड्रन आर वी? ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं जो सारे संसार को रोशनी देने वाला है। वी आर द चिल्ड्रन
of the son of knowledge, the father, who gives light to the entire world. तो देखो बाप कहते हैं. So look, the father says, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए. You children should feel very happy. ब्रह्मा को भी इतनी खुशी नहीं हो सकती. Even Brahma can't have as much happiness. भले सतयुग का मालिक बनता है. Although he becomes the master of the golden age. सारे सचरूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनता है. He becomes the first leaf of the entire world tree. लेकिन पत्ता बनता है, पत्तों का बाप बीज बनता है. He becomes the leaf. But does he become the father of the leaves, the seed? है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या पत्तों में ज्यादा ताकत होती है? Student, no. Does the seed have more power or do the leaves have more power? बीज में ज्यादा ताकत होती है. There is more power in the seed. तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट देखने वाले वो बच्चे. So the father says, you are such children of mine who listen directly, who see me directly. जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है. And the ones in whose intellect it sits firmly. क्या? What? क्या बैठ जाता है? What is it that sits in your intellect? जो बाबा ने बोला, जो इन आँखों से देखे. बाबा has said, whoever sees through these eyes. जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसकी बुद्धि में everlasting जीवन तक के लिए क्या बैठ जाएगा? Whoever listens to even two words through these ears, what will sit in his intellect forever? मेरा बाप आ गया. My father has come. ऐसे नहीं आज आ गया और कल. अरे हम तो मुगालते में आ गए थे. It shouldn't be that you think today he has come and tomorrow you think, अरे I was misled. बाप बदल जाए ऐसे नहीं. And you change your father. It shouldn't be so. अमरनाथ के बच्चे कैसे होंगे? How will the children of Amarnath be? Amarnath means Lord of the Immortal Ones. अमर होंगे. They will be immortal. वेद की अमरता धारण करने वाले. They will be the ones who have unlimited immortality. पक्का निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनने वाले. They will be such children of the father who have an intellect with firm faith. निश्चय बुद्धि माने जिंदा. Having an intellect with faith means being alive. और अनिश्चय बुद्धि माने मरे हुए. And having a doubting intellect means dead. तो अभी मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? So now, is it the mortal world or has the immortal world started? है? है? अभी भी मृत्युलोक. Students replied, it is the mortal world even now. अभी भी दूसरों की बातें सुनकर के विश्वास करते हैं या नहीं? Even now, do you listen to others' words and believe them or not? हैं? फट से विश्वास कर लेते हैं. You believe them immediately. बल बाबा ने बोला है. क्या? Although Baba has said, what? हैं? एक से सुनना चाहिए. You should listen to the one. अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा. If you listen to many, the knowledge will become adulterous. और व्यभिचारी ज्ञान दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ही सुनते हैं. And only those who convert to other religions listen to adulterous knowledge. अपना अपना पार्ट समझ लेना चाहिए. You should realize your respective parts. क्या मैं आत्मा और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली तो नहीं हूँ? Am I the soul that converts to other religions? परसेंटेज में सुन सुन करके फेल होने वाली आत्मा तो नहीं हूँ? Am I the one who listens to others to some extent and fail? कितने नंबर से फेल होते हैं? With how many marks do they fail? और कौन कितने नंबर के बाद पास माने जाते हैं? And after scoring how many marks are they considered to have passed? है?
अरे वन थर्ड, 100 में से 1/3 नंबरों से पास। अरे 1/3, इफ यू स्कोर 1/3 ऑफ 100 मार्क्स यू पास। और उससे कम नंबर तो फेल माने जाते। एंड इफ यू स्कोर फ्यूअर देन दैट यू आर कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड। तो अपने को देख सकते हैं कि हमने दूसरों की बात को सुन करके कितना परसेंटेज में विश्वास किया। सो यू कैन चेक योरसेल्फ्स टू व्हाट एक्सटेंट डिड आई लिसन टू अदर्स एंड बिलीव देयर वर्ड्स। या कर लेता हूँ या मुरली से टैली करता हूँ। और टू व्हाट एक्सटेंट डू आई बिलीव देम और डू आई टैली इट विद द मुरलीज। अच्छा, मुरली से टैली नहीं कर सकता तो रोज क्लास करके उन बातों को सच्चा है या झूठी बात है जान सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, इफ आई कैन टैली इट विद द मुरलीज कैन आई अटेंड द क्लास डेली एंड जज और नॉट इफ देयर वर्ड्स आर ट्रू और फॉल्स। वो भी नहीं कर सकता तो बाप मर गया या जिंदा है। इफ आई कैन डू इवन दैट इज द फादर डेड और अलाइव फॉर अस। ब्रह्मा कुमारियों का बाप मर गया या जिंदा है। डिड द फादर ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज डाई और इज ही अलाइव। मर गया। ही इज डेड। और हमारा बाप जिंदा है। एंड वॉट अबाउट अवर फादर ही इज अलाइव। तो आज नहीं तो कल वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। सो इफ नॉट टूडे देन टूमोरो कैन वी हैव इट वेरीफाइड और नॉट। कर सकते हैं। वी कैन। ओम शांति। ओम शांति।